राज्य स्तर लघु फिल्म प्रतियोगिता में अलीगढ़ जिले से पहली लघु फिल्म बीजेंद्र सिंह द्वारा निर्मित अंगूठा और दूसरी फिल्म हेमलता गुप्ता द्वारा निर्मित दिव्यांग राज्य स्तर पर चयनित हुई। इन दोनों फिल्मों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार और खंड शिक्षा अधिकारियों ने फिल्म देखी और फिल्म देखकर अत्यधिक प्रशंसा की। दोनों शिक्षकों और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयां दी। फिल्म देखने के बाद सभी ने फिल्म के पोस्टर को भी रिलीज किया। दोनों फिल्म जो हमारी साक्षरता से और स्कूल के बच्चों का नामांकन से और शिक्षा की गुणवत्ता से और शिक्षा के अंदर जो जनपद अलीगढ़ में के लिए प्रयास है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और जैसे दिव्यांग बच्चे का है, ये बहुत अच्छी फिल्म है। और ख़ासतौर से जो हमारे दिव्यांग बच्चे हमारे जनपद अलीगढ़ में, वो इसको देख के मुख्य धारा में शामिल होंगे। जहाँ तक अंगूठा का सवाल है, ये भी एक संदेश है समाज के लिए कि हर प्रत्येक नागरिक अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएं और ये जो अभिशाप है अंगूठा वाला, ये हम पूरी तरह से समाप्त कर सकें। और सर, आपके विभाग के दो टीचरों के लिए आपकी सर क्या? दोनों का बहुत ही सुंदर प्रयास है और मुझे आशा है कि और जिस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं और आगे आप बढ़ें इसमें और जनपद अलीगढ़ का प्रदेश में नाम करें। देखिए, जनपद स्तर हमारे जनपद की तरफ से दो राज्य स्तर पर दो फिल्में सेलेक्ट हुई हैं, अंगूठा और दूसरी दिव्यांग। मैंने दोनों फिल्मों को देखा है और दोनों ही फिल्में जो एजुकेशन की तरफ ध्यान दिलाती हैं। जैसे अंगूठा में जो है एक बालिका के बारे में है, बालिका शिक्षा को भी हमें महत्व देना है। एक छोटी बालिका अपने घर को बचा लेती है लिखने से, उसकी सूझबूझ से अगर वो पढ़ेगी लिखेगी तो और भी जो अपना समाज है उसको आगे लेके जाएगी और जीवन को ऊंचा उठाएगी। वैसी जो दिव्यांग फिल्में जो दूसरी सिलेक्ट हुई है उसमें भी बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें पहले जो दिव्यांगता के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसकी जगह दिव्यांगता यूज करते हैं। और जो मैसेज फिल्म मैसेज देती है, ये एक अनमोल कृति है भगवान की, ईश्वर की अनमोल कृति है और हमें उनको पूरा का पूरा सहयोग देना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। और सर, ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते आप सभी टीचर्स को और सभी ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जितने भी इसमें हैं, हमारे जो अध्यापक हैं अध्यापिकाएँ हैं उन्होंने इसमें कार्य किया है और जो भी इसके कलाकार हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें अपनी भूमिका निभाई है। और मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, इस फिल्म को देखें और देखने के बाद में इस चीज़ को, इस मैसेज को आगे समाज तक लेके जाएं। जो एजुकेशन है और ख़ासकर जो गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके और लोगों को मोटिवेशन मिले और गांव के जो बच्चे हैं उनको नामांकन हो सके, इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, इस फिल्म को देखने के बाद में जो माता पिता हैं वो बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ जाएंगे कि कैसे उनका नामांकन, वो अब के एजुकेशन का उनके जीवन में क्या महत्व है और इससे हमारे नामांकन पे भी असर पड़ेगा और नामांकन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं सभी के लिए यही आशा करता हूँ कि इस चीज़ को फिल्म को देखेंगे और जो फिल्म मैसेज देना चाहती हैं, दोनों फिल्म जो मैसेज देना चाहती हैं वो मैसेज आगे तक जाए और उसका समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव। अच्छा, और अंत में सर, इन दोनों अध्यापकों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं संदेश ये है कि आप जो दोनों अध्यापक हैं, अध्यापक अध्यापिका हैं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिले का नाम रोशन किया है, पूरे यूपी में हमारे जिले का नाम रोशन हुआ और जो इनके अंदर प्रतिभाएँ हैं वो निकाल के सामने आई हैं। इनके साथ साथ इन्होंने जो बच्चों के अंदर जो एक मोटिवेशन है और जो प्रतिभा है वो भी सामने लेके आए हैं और मैं चाहता हूँ जो सभी लोग हैं इस जो इस तरह की प्रतिभाएं हैं उनको आगे निकालें और इस फील्ड में भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर।